गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में, अर्थात विभवमापी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो विभवमापी जो होती है, अपने 12th क्लास के अंदर बोर्ड में प्रैक्टिकल में भी काम में आता है, इसका 4-5 प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल को भी इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, क्लियर कराएंगे, 100% क्लियर कराएंगे। तो वीडियो पर अपना फोकस रखिए ताकि आपको विभवमापी अच्छे से समझ में आ जाए। पिछले वीडियो में अपन ने मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा था, मीटर ब्रिज क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है वगैरह वगैरह अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे विभवमापी किस प्रकार से कार्य करती है, विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आदि अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं बेटा, विभवमापी होती क्या है। तो देखो बच्चों, विभवमापी पोटेंशियोमीटर, ये क्या होती है, पोटेंशियोमीटर होती है, यानी कि पोटेंशियल को मापने का एक उपकरण होता है। विभवमापी क्या होती है, विभव को मापने का एक उपकरण होता है, उसे क्या कहते हैं, विभवमापी कहते हैं। तो बच्चों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा होगा कि विभवमाप, अपने पास में जब वोल्टमीटर है, विभव मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, पोटेंशियल मापने के लिए अपने पास क्या है, वोल्टमीटर है, तो फिर विभवमापी की क्या जरूरत पड़ गई। ऐसी तो विभवमापी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि विभवमापी एक आइडियल वोल्टमीटर होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, जो परिपथ से बिना धारा लिए शून्य विक्षेप पर भी ये क्या करता है, कार्य करता है। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं कि वोल्टमीटर से बेटर देन पोटेंशियोमीटर क्यों है। तो देखिए, अपन मान लीजिए यहां पर ये कोई प्रतिरोध दे रखा है, आर प्रतिरोध है, और इसका क्या ज्ञात करना चाहते हैं, इसके सिरों पर विभवांतर अपन ज्ञात करना चाहते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल अपन फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे बच्चों, एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं, वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे वोल्टमीटर जोड़ दिया, यहाँ से करंट आया आई। अगर देखिए बच्चों, यहाँ पे वोल्टमीटर नहीं हो, यहाँ पे वोल्टमीटर अगर नहीं है, तो देखिए इसके अंदर जो विभव होगा वो होगा आई आर, इसके यानी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा आई आर। अब अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, क्या मापने के लिए, इसके सिरों पर विभवांतर मापने के लिए। इधर से देखिए करंट आ रहा है, धारा आ रही है, यहाँ पे आके करंट क्या करता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक भाग इधर आ जाता है। मैंने मान लिया कि इधर आने वाला जो करंट है वो आई डैश है, और इधर अब कुछ भाग इधर भी चला जाता है, तो इधर चला गया आई माइनस आई डैश। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर अगर विभव जो होगा अब इस कंडीशन में, वो होगा आई माइनस आई डैश इंटू में आर, और वी इजुकस टू हो जाएगा आई आर माइनस आई डैश आर। देखिए, जो शुद्ध विभव था, वोल्ट था, उसमें से कुछ वोल्ट कम हो गया, क्योंकि पूरा करंट जो था वह इस रेजिस्टेंस में नहीं जा रहा है, इस प्रतिरोध में नहीं जा रहा है, कुछ करंट क्या ले रहा है, वोल्टमीटर ले लेता है, वोल्टमीटर कुछ करंट ले लेता है। इस कारण से यहाँ पर जो प्रतिरोध का मापन होगा वह करेक्ट, जो सॉरी, जो यहाँ पर जो पोटेंशियल का मापन होगा वह करेक्ट पोटेंशियल अपन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ करंट कौन ले लेता है, वोल्टमीटर ले लेता है। इसलिए वोल्टमीटर से ज्ञात करा हुआ जो पोटेंशियल होता है वह शुद्ध पोटेंशियल नहीं होता है, करेक्ट पोटेंशियल नहीं होता है। तो अपन को करेक्ट पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक विभव मापी का उपयोग करते हैं, जो बिना धारा लिए क्या करती है, पोटेंशियल को मेजरमेंट करती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि विभवमापी जो होता है वह क्या होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर होता है। अपन आदर्श वोल्टमीटर बना नहीं सकते, क्योंकि वोल्टमीटर तभी कार्य करेगा जब उसमें करंट जाएगा, और करंट अगर इसमें आ गया, कुछ पार्ट ऑफ द करंट इसमें आ गया, तो यहाँ पे मेजरमेंट करने वाला जो पोटेंशियल जो है, विभव जो है, विभवांतर जो है, वो क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध विभवांतर यहाँ पे वोल्टमीटर की सहायता से नहीं मापा जा सकता है। इसलिए अपन किसका यूज लेते हैं, विभव मापी अर्थात पोटेंशियोमीटर का काम में लेते हैं। अब चलते हैं बच्चों दूसरी बात पे। अगर मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति बोल दे कि आपके
आप जो है विभव माप रहे हैं, तो विभव मापी के स्थान पर वोल्टमीटर क्यों लेते हैं, उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि विभव मापी क्या होती है, वोल्ट यानी कि EMF यानी कि विद्युत वाहक बल का मापन परिशुद्धता से करती है, इसलिए अपन किसका यूज देते हैं, विभव मापी का लेते हैं। अब बात करते हैं बेटा विभव मापी की संरचना पे, ये किस प्रकार की संरचना होती है। वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, आपको इतना बेटर समझ में आएगा, विभव मापी आप कभी भी नहीं भूलेंगे। विभव मापी क्या होता है, एक लकड़ी का कार्डबोर्ड होता है, एक लकड़ी का क्या होता है बच्चों, कार्डबोर्ड होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, ऐसे एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर क्या होता है, एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार जो होता है वो एक एक मीटर के अंतराल से 10 मीटर लगभग 10 मीटर लंबा तार इस पर कसा हुआ रहता है। एक एक मीटर के अंतराल से ये क्या होता है 10 मीटर तक लगभग क्या होता है कसा रहता है इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 मीटर तक ये बांधा हुआ रहता है। और इसके ये दो पार्ट पॉइंट होते हैं, जो तार के जो पॉइंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, AB कहते हैं। अब इसका कनेक्शन अपन किस प्रकार से करते हैं, एक को उच्च विभव से जोड़ देते हैं और बी को क्या करते हैं बेटा कुंजी, और यहाँ पर RH, और यहाँ पर क्या करते थे इस प्रकार से जोड़ देते हैं, और इसे कहते हैं अपन बेटा प्राइमरी कनेक्शन, प्रारंभिक परिपथ भी बोलते हैं इसको। इस प्रकार से ये अपनी लैब के अंदर एक विभव मापी होती है, वो ऐसी सेम टू सेम ऐसी दिखती है। ये लकड़ी का एक कार्डबोर्ड होता है, इस पर ये तार इस प्रकार से क्या होता है कसा हुआ रहता है। तार जो होता है वो होता है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से अपन ने इसकी संरचना के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं बेटा कि विभवमापी को अपन जब कॉपी में या बोर्ड के अंदर अपन जब लिखेंगे तो इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, अपन विभवमापी को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। विभवमापी का जो ये तार है AB उसको अपन एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इस प्रकार से, ये हो गया विभवमापी का तार, यानी कि ये A और B हो गई विभव मापी। ये जो पूरा विभव मापी है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन उसको अपन एक छोटे से प्रतीक के रूप में अपन यहाँ पे शो कर देते हैं जब परिपथ बनाते हैं। यहाँ पे ये बैटरी हो गई और यहाँ पर कुंजी हो गई और ये हो गया RH जिसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, रियोस्टेट। RH का मतलब होता है रियोस्टेट, और ये होता है धारा नियंत्रक जो जो करंट का क्या करता है कंट्रोल करता है करंट को कि इसमें कितना करंट अपन को भेजना है। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपन इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है विभव मापी का सिद्धांत। देखिए विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है, विभव मापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है, विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है, और विभव प्रवणता को क्या बोलते हैं, प्रत्येकांक लंबाई में प्रत्येक विभव मापी के तार पर प्रत्येकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। x इजुकल्स टू हो जाएगा VAB अपॉन L। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है विभव मापी का सिद्धांत। अब विभव मापी देखिए, एक आधे छोटे नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपन डायरेक्टली अपन बोल दे कि विभव मापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है, और विभव प्रवणता x बराबर होता है VAB अपॉन L। AB क्या है, विभव मापी के तार पर विभव पतन, VAB अपॉन L, और इसका मात्रक होता है बेटा वोल्ट पर मीटर। ये एक दो बार मैंने बहुत बार इसको अर्धवार से काफी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ कि विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अब चलते हैं बेटा अपन विभव मापी के सिद्धांत को समझेंगे। ओके, कि विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है, कैसे कार्य करता है, विभव प्रवणता क्या होती है, किस किस पर ये डिपेंड करती है।
तो देखें विभव मापी के सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन। विभव मापी का सिद्धांत, विभव मापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। और विभव मापी के सिद्धांत को समझने के लिए अपन ने एक विभव मापी ले ली। यहाँ पर ए बी क्या है, कोई विभव मापी है, ये इसका प्राथमिक परिपथ है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो ए वाला जो पॉइंट है उसको अपन उच्च विभव से जोड़ देते हैं और बी वाले पॉइंट को निम्न विभव से। यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, यहाँ पर एक आरएच लगा देते हैं धारा नियंत्रक, और इसको ये हो गया इसका बी पॉइंट, ये हो गया विभव मापी का तार। यहाँ पे बच्चों अपन ने एक सेल जोड़ दिया है जिसका विद्युत वाहक बल ई है, और ये हो गई उसकी जोकी जे, और ये हो गया पॉइंट सी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अपन ने लंबाई को मान लिया एल। देखिए बच्चों विभव मापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है, और विभव प्रवणता होती है वी ए बी अपॉन एल, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों यहाँ पर वी ए बी जो होता है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वी ए बी इजुकस टू एक्स एल, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। वी ए बी जो होता है वी नो दैट अगर विभव मापी में विभव मापी के तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो वी ए बी कितना हो जाएगा आई आर, आर इजुकस टू विभव मापी के तार का प्रतिरोध है, विभव मापी के तार का प्रतिरोध है। तो मैं इस इक्वेशन को और I बराबर विभव मापी के तार में धारा है वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, समीकरण एक व दो से यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स कैपिटल L लेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा लिया है विभव मापी के तार ए बी लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा x कैपिटल L इजुकस टू हो जाएगा आई आर, और आई एक्स इजुकस टू हो जाएगा आई आर अपॉन L, आई आर अपॉन L, I विभवमापी के तार में धारा, R अपॉन L क्या है R विभवमापी के तार का प्रतिरोध, और L बराबर विभवमापी के तार की विभवमापी के तार की लंबाई, ये विभव मापी के तार की लंबाई है। और R अपॉन L को बोलते हैं R अपॉन L इजुकस टू हो जाएगा आर एम, प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध, ये होता है विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध। अगर मान लीजिए बच्चों ये तो मैंने ले लिया यहाँ से A से B के मध्य, अगर मान लीजिए मैं लेऊँ कि C, यहाँ पर C एक ऐसा बिंदु है, सॉरी यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, सी एक ऐसा बिंदु है कि जहाँ पर इस विभव मापी का जो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वी ए बी बराबर एक्स एल, और वी ए सी बराबर एक्स एल, और वी ए सी जो होता है वो होता है E बराबर XL, या मैं लिख सकता हूँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि ये क्या होता है E L के समानुपाती होता है। इस प्रकार से अपन ने विभव प्रवणता की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब चलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट बात पे। अपन ने ये एक इक्वेशन प्राप्त की है x इजुकल्स टू आई आर अपॉन एल। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बात पे। मान लीजिए अपने पास में क्या है, ये विभव मापी है, और विभव मापी के तार का प्रतिरोध तो है R, और तार की लंबाई L है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो वी नो दैट I इजुकल्स टू होता है EP, यह है यहाँ पर ई पी अपॉन आर, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, ई पी अपॉन कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध कितना होगा, देखिए इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आर एच का प्रतिरोध, यहाँ पर
यानी कि मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आई आर अपॉन एल। देखिए बच्चों, धारा जो होती है, धारा करंट जो होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, धारा बराबर होता है आई बराबर होता है ई पी, इसमें सेल लगा हुआ है, ई पी अपॉन कुल प्रतिरोध। तो देखिए कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध हो गया अपना, कुल प्रतिरोध इज इक्वल टू हो जाएगा आर विभवमापी के तार का प्रतिरोध प्लस आर एच धारा नियंत्रक का प्रतिरोध प्लस आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई पी अपॉन आई की वैल्यू पुट करें, ई पी अपॉन आर प्लस आर एच प्लस आर डॉट आर अपॉन एल। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, धारा मापी वो क्या बोलते हैं इसको, इसको अपन कहते हैं विभव प्रवणता। तो इस प्रकार से अपन विभव प्रवणता भी ज्ञात कर सकते हैं, और ये जो विभवमापी जो होती है वह विभव प्रवणता के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। अब चलते हैं अपन इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका उपयोग, विभवमापी के उपयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विभवमापी के उपयोगों पे चलते हैं। तो देखिए उपयोग कैसे करते हैं, विभवमापी के उपयोग, हाँ तो बच्चों अपन क्या कर रहे थे, विभव मापी के अनुप्रयोग। तो इसका पहला अनुप्रयोग आता है अपना, पहला अनुप्रयोग है विभव मापी की सहायता से। और पहला अनुप्रयोग है अपना विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। यह अपने प्रैक्टिकल भी है अपना, ये जॉब बन जब प्रैक्टिकल लगेगा तो इसमें एक प्रैक्टिकल भी होता है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है, राजस्थान बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा विभवमापी के सेल के विद्युत वाहक दो प्राथमिक, दो सेल कौन से हैं, दो प्राथमिक, यहाँ पे प्राथमिक भी लिख सकते हैं, प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो सबसे पहले बनाएंगे अपन परिपथ चित्र, और परिपथ चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए ये अपनी हो गई विभवमापी। बच्चों ध्यान से ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, बहुत ही इजी ये आपका टॉपिक है, और इतना इजी है कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जोड़ दिया एक बैटरी, और इस बैटरी को बोलेंगे अपन कौन सी बैटरी, ई पी, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक कुंजी के, और यहाँ पे आर एच धारा नियंत्रक, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए एंड बी इज ए पोटेंशियो मीटर, जिसको अपन कहते हैं विभव मापी। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को ऐसे जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल को की से जोड़ दिया, और की को आर एच से जोड़ दिया, और आर एच को पॉइंट बी से जोड़ दिया। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए बी किसके हैं, विभव मापी के पॉइंट हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने एक वायर लिया और मैंने एक सेल लगा दिया यहाँ पे ई वन, और यहाँ पर एक टू वे की द्विमार्गी कुंजी लगा दी, और यहाँ पर एक और मैंने क्या ले लिया, सेल ले लिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा बच्चों, इन दोनों सेलों की तुलना करूँगा विद्युत वाहक बलों की, दैट इज ई वन
देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बताया है मैंने कि सारे पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पर जोड़े जाते हैं, इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज पॉइंट, उच्च विभव का पॉइंट, और ये निम्न विभव पॉइंट। और यहाँ द्विमार्गी कुंजी है एक्स, और ये ले लिया मैंने गैलोनोमीटर, ये जो कि ये पॉइंट सी एंड दैट इज एक्स वाई एंड जेड। ये है अपना विभव मापी के दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का फॉर्मूला, यानी कि परिपथ चित्र। इधर से भी करंट आएगा और इधर से भी करंट आएगा। यहां पे मैंने दो सेल ले लिया जिनका विद्युत वाहक बलों की हमें क्या करना है, तुलना करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें की लगाएंगे, क्रिया विधि, प्रयोग विधि जिसको बोलते हैं। और ध्यान से सुनो, आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप जब देख के आएंगे उस प्रैक्टिकल को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल इजी वे में आपको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रयोग, फर्स्ट, सबसे पहले के जो डॉट है यहाँ पे की है, इस वाली की में जिसको हिंदी में बोलते हैं कुंजी, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, कुंजी बोलते हैं, इस की में डॉट को लगाएंगे। डॉट लगा दिया, और इसमें से कहीं पर भी एक्स और वाई के मध्य अपन भी क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे। सबसे पहले की को लगाएंगे, सबसे पहले की को लगाएंगे, और एक्स और वाई के मध्य भी क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। और यहाँ से जोकी को पकड़ेंगे, जोकी को सबसे पहले पॉइंट ए पर टच करेंगे, और गैलोनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, यानी कि विक्षेप चेक करेंगे। मान लीजिए ये एक साइड में उसका क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है। गैलोनोमीटर इस टाइप का होता है बच्चों, इस टाइप का गैलोनोमीटर होता है। यहाँ पर एक गैलोनोमीटर की निडिल होती है जो यहाँ पे रहती है, इधर भी 30 और ये 0 और इधर भी 30, ओके, 30-30 खाने होते हैं इसके अंदर। जैसे ही मैंने इस जोकी को उठा के पॉइंट ए पर टच किया, इसका विक्षेप नोट कर लेते हैं, मान लीजिए इसका विक्षेप इस डायरेक्शन में आ जाता है, ओके, यहाँ से हटकर वहाँ पे आ जाता है। अब अपन इस पॉइंट, यहाँ से इस जोकी को उठाकर बी पर टच करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, यानी कि जब ए पर लगाते हैं तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, और जब बी पे लगाते हैं तो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो इट मीन्स जो अपना ये सर्किट बनाया हुआ है वह सर्किट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अब देखिए, मैंने इधर लगाया तो इधर डिफ्लेक्शन आ गया, और जब इधर लगाया तो इधर डिफ्लेक्शन आ गया। इट मीन्स इस तार ए बी के मध्य एक ऐसा पॉइंट है, ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अपन जहां पर क्या होगा, गैलोनोमीटर में शून्य विक्षेप आएगा। तो वहां पर अपन क्या करते थे, वो पॉइंट ढूंढते हैं। तो यहां से अपन धीरे धीरे टच करते हुए यहां पे आते हैं, और एक अपने को बिंदु सी प्राप्त होता है, जहां पर क्या प्राप्त हो जाता है, यानी कि गैलोनोमीटर विक्षेप कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, और वही क्या हो जाता है, इस इवन सेल की संतुलित लंबाई प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, माना कि इवन सेल की संतुलित लंबाई कितनी है, L1 है, और उसको अपन विभव प्रवणता के सिद्धांत से E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 L1 और X L1, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये अपना वो पहला इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, फर्स्ट यानी कि जो प्राइमरी जो कनेक्शन है, प्राथमिक परिपथ जो है, उसको एज इट इज रखते हुए अपन क्या करेंगे, यहाँ से की को हटाएंगे और वाई और जेड के मध्य लगा देंगे। अब देखिए कौन सा सेल काम कर रहा है, E2 सेल काम कर रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको उठा के वहाँ पे लगाएंगे, डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, एक साइड में आ गया। अब यहाँ से उठा के यहाँ पे टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में आ जाएगा। इट मीन्स सर्किट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब E2 सेल के लिए अपन क्या करेंगे, इस AB के बीच में एक ऐसा पॉइंट प्राप्त करेंगे जहां पर क्या आ जाएगा, उसका यानी कि गैलोनोमीटर का विक्षेप कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। मान लीजिए वो आ गया कहां पे, वो आ गया यहां पे, D पॉइंट पे आ गया, और इस D पॉइंट को मैंने नाम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, L2 आ गई,
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितना मान लिया, L1 मान लिया। तो दूसरे सेल के विभव प्रवणता के सिद्धांत से L2 और E2 इज इक्वल्स टू एक्स L2, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस प्रकार से अपन ने देखे प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल फाइंड कर लिया और दूसरे सेल का भी क्या कर लिए, विद्युत वाहक बल क्या कर लिया अपन ने, ज्ञात कर लिया। अब अपन क्या करेंगे बच्चों कि E1 अपॉन E2 इजुकस टू हो जाएगा एक्स एल वन एक्स एल टू, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास में आ जाएगा E1 अपॉन E2 इजुकस टू एल वन अपॉन एल टू। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25 मात्रक विहीन, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होगा इसका जो आंसर आएगा। ओके बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि इसका 1.25, 1.20, 1.23 यानी कि 1.2 समथिंग आएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, उतार लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स आपके पास में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए अपने को कोई क्वेश्चन दे दिया इस टाइप का कि वहाँ पर E2 अपने को ज्ञात नहीं है, E2 की वैल्यू फाइंड करना है, E1 की वैल्यू दे रखी है, L1, L2 दे रखा है, तो अपन यहाँ से E2 भी फाइंड कर सकते हैं। E2 बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, L2 अपॉन L1 इंटू E1। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपना आज का प्रयोग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आता है बेटा इसमें प्रयोग की सावधानियाँ, क्या आती है सावधानियाँ आती है, प्रिकॉशंस। सावधानियाँ क्या क्या हैं, पहली सावधानी, सबसे पहली बात होती है कि बेटा विभवमापी का जो तार होता है उस पर जोकी को रगड़ कर नहीं लेंगे, उठा उठा के प्रयोग करना पड़ेगा। अगर जोकी को रगड़ कर प्रयोग करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वह क्या हो जाता है, तार का कम हो जाता है, रगड़ने से घिस जाएगा ना तार, तो तार के घिस जाने से क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो उसकी जो विभव प्रवणता है वो भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, जबकि विभव प्रवणता क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, तो कभी भी इस पर रगड़कर जोकी को नहीं चलाएंगे। नंबर दो बेटा, सबसे पहली बात ये है कि जब भी प्रयोग कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग जब ले रहे हैं अपन, L1 ज्ञात कर लिया, उसके बाद में L2 ज्ञात कर रहे हैं, तो L2 ज्ञात करते समय कभी भी धारा नियंत्रक को क्या करेंगे, परिवर्तित नहीं करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे प्राथमिक परिपथ के अंदर। दूसरी बात बेटा, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल जो विभवमापी के एक ही पॉइंट में होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात आती है बेटा कि ये जो EP जो होता है विद्युत वाहक बल, जो प्राथमिक परिपथ में जो सेल बैटरी लगी होती है उसका पोटेंशियल जो है वह हमेशा क्या होना चाहिए, द्वितीय परिपथ में लगे हुए पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो शून्य विक्षेप नहीं आएगा। तीसरी बात होती है बच्चा कि प्रयोग खत्म करने के पश्चात ये सभी क्या है, अपन डॉट क्या है हटा दें ताकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सेल डिस्चार्ज नहीं हो। और दूसरी बात ये होती है बेटा, अधिक देर तक इसमें करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, अगर करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तार गर्म हो जाएगा और गर्म होने से उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, जिससे आई में परिवर्तन करंट में परिवर्तन हो जाएगा और जब करंट में परिवर्तन हो जाएगा तो विभव प्रवणता में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा है इसके बारे में कि विभवमापी क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।